हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गाइस ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा थाल पोश बनाने वाले हैं। ये दो कलर से बनाया गया है। इसमें वाइट कलर हमने लिया है 100 ग्राम और ब्लू कलर लिया है हमने 30 ग्राम। सबसे पहले यहाँ पे मैजिक नोट लगा लेंगे और यहाँ पे हमने लिया है 12 नंबर का क्रोशिया। मैजिक नोट लगाने के बाद देखिए ऐसे हम फंदे को थोड़ा सा लंबा करेंगे, ये देखिए ऐसे, और फिर दूसरे वाले धागे को ऐसे क्रोशिए पे घुमा के ऐसे हम यहाँ पे 3 बार कर लेंगे। ये देखिए 3 बार हमने कर लिया है। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे और एक चेन बना लेंगे। फिर सेम ऐसा ही पफ स्टिच एक और बना लेंगे। ये देखिए 3 का यहाँ पे हम बना देंगे एक, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन। टोटल यहाँ पे फ्रेंड्स हम यहाँ पे 12 बना लेंगे। टोटल 12 यहाँ पे पफ स्टिच बनाए जाएंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा नोट को हम ऐसे टाइट करेंगे और लास्ट में यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ पे देखिए गाइस, हमने एक में दो दो पफ स्टिच बना लेने हैं। पहले राउंड में हमने टोटल 12 बनाए थे और सेकेंड राउंड में हमें यहाँ पे 24 बना लेंगे। ये देखिए 3 बार ऐसे लंबे फंदे लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन, फिर वहीं पे एक और ऐसा पफ स्टिच बना लेंगे। इस तरह हमने एक ही जगह पे दो दो पफ स्टिच बनाए हैं। बीच में हमें एक एक ही चेन बना लेनी है और नेक्स्ट में भी सेम हम यहाँ पे दो पफ स्टिच बना लेंगे। इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा राउंड हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए गाइस, इस राउंड में हमारे हैं टोटल 24 पफ स्टिच। इनको अब हमें चार चार पार्ट में डिवाइड करके टोटल 6 यहाँ पे कॉर्नर हम बना लेंगे। चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉर्नर बनाने के लिए गाइस हमें यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ पे 3 पफ स्टिच बना लेंगे। 3 यहाँ पे हमने एक एक करके बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे टोटल 3 पफ स्टिच हो चुके हैं। अब हम 4th बनाएंगे। पहले एक ही चेन बना लेते हैं। 4 वाले में देखिए पहले एक पफ स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और एक पफ स्टिच फ्रेंड्स हम यहीं पे एक और बना लेंगे। इस तरह गाइस, इस राउंड में हम यहाँ पे 3 पफ स्टिच सिंगल बनाएंगे एक एक करके, और जो 4th वाला रहेगा वहाँ पे हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह ये पूरा राउंड हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हम ऊपर की साइड बना देंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने एक जगह पे दो दो पफ स्टिच बनाए हैं, उस लाइन को हमें कंटिन्यू रखना है, और जहाँ पे हमने एक एक सिंगल पफ स्टिच बनाया था वहाँ पे हमें एक एक का भी इंक्रीज करेंगे। चलिए इसको बनाएंगे। देखिए पहले जहाँ पर हमारा जिस पॉइंट से हम बनाएंगे वहाँ पर अगर हमारा सिंगल आ रहा है तो हम वहाँ पे सिंगल पफ स्टिच ही बनाएंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होगी हम वहीं से बैक जाएंगे या आगे जाएंगे, लेकिन जहाँ से हमारा स्टार्ट है वहीं से हम आगे निकल चलेंगे और फिर आते हुए उस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको बना कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे 3 पफ स्टिच बन चुके हैं। अब जहाँ पर हमने पहले 2 पफ स्टिच बनाए थे वहाँ पर हमें 2 ही बनाने हैं। बीच में एक ही चेन बनाएंगे, 2 की चेन बना ली हमने और एक और पफ स्टिच बना लिया है। ये देखिए, एक में हम दो, यहाँ पे 2 थे वहीं पे 2 पर बना लिए हैं।
अब यहाँ पे देखिए हमारे तीन पाउच स्टिच है, अब बनाएंगे चार, एक दो तीन चार। देखिए हर एक राउंड में हमारा पाउच स्टिच एक ही इंक्रीज होता जाएगा, और जितना भी बड़ा हमें यहाँ पे थाल पोश डोली या फिर कोई टेबल पैटर्न बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बस इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे और थाल पोश का साइज़ बढ़ा लेंगे। ये देखिए अब एक एक पफ स्टिच बीच में बना लिया हमने, और जहाँ पे हमने दो बनाए हैं वहाँ पे हमें दो ही बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने दो पफ स्टिच बना रखे हैं, अब यहाँ पे हम दो पफ स्टिच बनाएंगे और बीच में हम बनाएंगे दो की चेन। बाकी का पैटर्न सेम रहेगा। ये देखिए इस तरह गाइस हम पूरा थाल पोश यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसे रहेगा, वो लाइन को हम कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ पर बीच में एक एक पाउच स्टिच बनाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने इतना थाल पोश है रेडी कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इतने राउंड कंप्लीट किए हैं, एक यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, और ऊपर की तरफ से आप सब देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः, छः पाउच स्टिच हमारे। मैंने जैसे पहले भी कहा है जितना बड़ा आपको थाल पोश चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसी पैटर्न को यूज़ करके थाल पोश बना सकते हैं। अब हम ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। अब ऊपर का डिज़ाइन बनाना बहुत ही ईजी है। ये देखिएगा यहाँ पे हम इस जो लाइन है हमारी यहाँ पे हम नोट लगाएंगे, और ये धागा है इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने दो दो पफ स्टिच छोड़ के गाइस बनाने हैं आठ डबल क्रोशिया। देखिए दो हमने छोड़ दिए हैं, और देखिए इस पॉइंट पे जाके हमने बिल्कुल देखिए बीच में ऐसे से और क्रोशिए को ऐसे बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे हम बना लेंगे टोटल आठ डबल क्रोशिया। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, ये देखिए आप सब देख ही रहे हैं, क्योंकि हमारा थाल पोश है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और ऐसा नहीं है कि हमें पकड़ने मुश्किल हो। ये देखिए इस तरह इसको फोल्ड करके हम पकड़ेंगे अच्छे से, और एक ही जगह पे हम एक ही पॉइंट पे आठ डबल क्रोशिया बना लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे, धागे को एक बार आगे करेंगे और बीच में से निकालते जाएंगे। और अब यहाँ पे देखिए आठ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं, दो पफ स्टिच छोड़ेंगे, और नेक्स्ट वाला जो देखिए ये वाला पॉइंट है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बना देंगे। देखिए फिर से हम दो पफ स्टिच छोड़ेंगे, धागा आगे करेंगे क्रोशिया से, और सीधा ही हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे हमें कोई भी चेन नहीं बनानी है, सीधा हमें डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है। दो पफ स्टिच छोड़ेंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे आठ डबल क्रोशिया। ये देखिए इसी तरह यहाँ पे ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने तीन ऐसे बना लिए हैं, और टोटल तीन और ऐसे हम यहाँ पे बना लेंगे, दो दो पफ स्टिच से हम बनाते जाएंगे। चलिए इसको बना कर आप सबको मैं दिखाती हूँ।
यहाँ पे देखिए हमने छह ऐसे पत्तियाँ हमने बहुत ही सुंदर बना ली है। अब ये दूसरा राउंड में भी सेम हमें ऐसा ही बना लेना है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 हमने यहाँ पे बना ली है। आप चाहें तो गाइस यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जब 6 राउंड कंप्लीट हो जाए तो सीजर से धागा कट कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसी को चेन बना के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, ये देखिए, और चाहे तो आप देखिए ऐसे करके चेन बना के फिर जा सकते हैं। देखिए एक पार्ट ये और दूसरा यहाँ पे हमें बढ़ाना होगा अभी। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पे भी हमें सेम ऐसे ही देखिए एक ही पॉइंट पे 8-8 डबल क्रोशिया बना लेंगे और दो दो पफ स्टिच छोड़ते जाएंगे। सेम उसी तरह पैटर्न को यूज़ करेंगे और पूरा राउंड यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने दो पफ स्टिच बना लिए हैं। इस तरह आप यहाँ पूरा राउंड लास्ट तक कंप्लीट करेंगे और जो लास्ट वाला पॉइंट रहेगा वहाँ भी सेम हमें ऐसा ही 8-8 डबल क्रोशे का कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, तीसरा राउंड भी हम सेम ऐसा ही बना लेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम ऐसे ही बनाना है। ये देखिए गाइस यहाँ पे भी हमने सेम ऐसा ही बना लिया है। अब लेंगे हम अपना कोई भी फेवरेट कलर और ऊपर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे नोट लगा लेंगे। पहले हम ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, चाहे तो आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसे पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। इसमें फ्रेंड्स हमें एक सिंगल क्रोशिया एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया एक चेन बना लेंगे। आप चाहे तो सीधा ही सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम एक चेन बीच में बढ़ाएंगे तो वो अच्छे से हमारा पैटर्न बिल्कुल सही बनकर तैयार होगा। और इसी तरह यहाँ पे हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारा बहुत ही सुंदर थर्ड पोस्ट रेडी हो चुका है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू गाइज़।